प्रखंड अंतर्गत रबदा पंचायत के अंबेडकर नगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल के पास में होली का शहादत दिवस मनाया गया। इस शहादत दिवस के अवसर पर गांव के महिला पुरुष एवं बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का शुरुआत मधुकांत लाल रवि के द्वारा वृद्ध वंदना त्रिशरण और पंचशील का पाठ सामूहिक रूप से करने का बाद हुआ। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष दीप नारायण राम तथा मंच संचालन मधुकांत लाल रवि ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अध्यक्ष जनसंग्राम मोर्चा युगल पाल एवं वक्ता के रूप में राम प्रसाद बोध, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय बोध महासभा शत्रुधन कुमार शत्रु, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड क्रांति मंच डॉक्टर रवि पाल, एकता मंच पलामू ब्रजनंदन मेहता, राम लखल राम, सेवानिवृत्त कृष्णा कांत बोध, मंदीप बोध के साथ कई लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर होलिका शहादत दिवस पर अपने अपने विचार रखे। होलिका को मनुवादियों के द्वारा क्यों जलाया गया, इस सभी वक्ताओं ने विस्तार से लोगों को बताने का काम किया। सभा के अंत में होलिका की शहादत के प्रति सभा में उपस्थित सभी लोग खड़े होकर एक मिनट का मौन धारण कर होलिका को श्रद्धांजलि दिए। जो हम लोगों ने देखते आया कि भाई रात में सभी समाज के सभी वर्गों के लोग इकट्ठा होकर होली जलाते थे और सुबह में रंग अबीर हर घर में पुआ पकवान मुर्गा शराब जम के चलता था और कुछ वर्ग के घरों में आज भी वैसा ही चल रहा है। जो लोग आज यहाँ शहादत दिवस के मौके पर इस सभा में बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि जिसको ब्राह्मणों ने हमारे समाज के लोगों को महान त्योहार कहकर और हमारे लोगों के ऊपर थोपा और हम लोग से हजारों हजार साल से हमारे पुरखा पूर्वज से यही काम करवाते हुए आया। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, तो जब हमारे समाज के लोग शिक्षित हुए और अपने इतिहास को जब पढ़े तब पता चला कि ये हमारा त्योहार नहीं है बल्कि ये हमारे समाज के बहु बेटी को ही जलाकर और हमसे ब्राह्मणों ने त्योहार मनवाते आ रहे हैं। तब हम लोगों ने इस त्योहार का विरोध करना शुरू हुआ किया और उसी की कड़ी में आज उस त्योहार को जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसको हम लोगों ने लात मारने का